बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिप्टोटेक। सो अभी तक हमने टू डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एक्सेल में एंटर किया। फर्स्ट हमने टेक्स्ट एंटर किया जो हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड हमने न्यूमेरिक डाटा एंटर किया जो डिफरेंट बिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस लेक्चर में हम एक्सेल में डेट वैल्यूज एंटर करेंगे। लेट्स सी, ये मेरे पास एक जनवरी का एक्सेल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसके अंदर डेट वैल्यू एंटर करता हूँ, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और जनवरी पहले ही लिखा हुआ है, सो मैं यहाँ पे हाइफन 2019 एंटर करता हूँ एंड मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। तो देखें क्या डिफरेंस नज़र आया आपको, ये राइट अलाइन हो चुका है, क्योंकि एक्सेल बाय डिफॉल्ट डेट को न्यूमेरिक वैल्यू में कंसीडर करता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो राइट अलाइन होती है। सो इसने डेट को रिकॉग्नाइज किया और इसे राइट अलाइन कर दिया। अब अगर आप देखें तो मैंने तो जनवरी 2019 लिखा था, लेकिन यहाँ पर जनवरी 19 लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट है। सो इसी तरह मैं नेक्स्ट यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करूँगा, फेब 2019 एंटर। तो देखें फेब 2019 नहीं लिखा हुआ, ये फेब 19 लिखा आ गया और राइट अलाइन भी हो गया। सो ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। सो मैं नेक्स्ट में भी लिखता हूँ हाइफन 2019 एंड प्रेस एंटर। तो देखें मार्च 19 लिखा हुआ आ गया। इस तरह नेक्स्ट डबल क्लिक करके हाइफन 2019 एंटर। तो देखें अप्रैल 19 लिखा आ गया। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है, ये सब राइट अलाइन भी हो गए, लेकिन मैं ये फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में हमें डेट की जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये 19 जनवरी की डेट है, ये 2019 नहीं है। लेकिन हमने इसको इस फॉर्मेट को चेंज करना है और एक लॉन्ग फॉर्मेट में इसे लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये 2019 लिखा हुआ है, ना कि 19 जनवरी। सो हम इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, इन चारों कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं होम टैब में जाऊंगा और उसमें एक सेक्शन है नंबर का, यहाँ पर मैं इस नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकूंगा। सो मैं इस ड्रॉपडाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ, देन ये हमें डायरेक्ट कस्टम पे ले गया और कस्टम में ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट है। ट्रिपल एम मीन्स 3 डिजिट्स ऑफ मंथ एंड 2 डिजिट्स ऑफ ईयर्स। सो मैं इस फॉर्मेट को 4 डिजिट्स ऑफ ईयर्स में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ऊपर इसे 4y की फॉर्म में लिख दूंगा। तो देखें ये एक ओवरव्यू आ गया हमारे सामने जनवरी 2019। तो ये एक लॉन्ग फॉर्मेट है जनवरी 2019। मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ओके करूंगा। तो देखें ये सब कॉलम्स में जनवरी 2019, फेब 2019, मार्च 2019 एंड अप्रैल 2019, ये लॉन्ग फॉर्मेट में डेट आ चुकी। ऑल्दो एक्सेल हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करता है डेट्स को लिखने में, लेकिन वो फॉर्मेट इतना परफेक्ट नहीं था जो बाय डिफॉल्ट था, लेकिन हमने ये फॉर्मेट खुद चेंज कर लिया। आप वो फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप डेट को जितना लॉन्ग लिखेंगे वो आपके लिए उतना वैलिड होगा। सो जब भी आप डेट को एंटर करते हैं तो एक्सेल इसे ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक डाटा कंसीडर करता है और इसे राइट अलाइन कर देता है। सो हम ये कह सकते हैं कि डेट एक न्यूमेरिक वैल्यू है। सो फ्रेंड्स यू मस्ट ट्राई दिस आउट। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। क्रिप्टोटेक को सब्सक्राइब करना मत भूलें।